हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट सॉल्यूशन में। आज का हमारा प्रोजेक्ट है यूकेरियोटिक सेल, जो कि आप देख रहे हो। इस मॉडल को हमने कैसे बनाया है और क्या क्या मटेरियल इसमें यूज होता है और कैसे आप लोग इसे ईजी वे में बना सकते हो, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सब चीज़ बताया आपको। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने एक बेस लिया हुआ है। बेस हमने प्लाईबोर्ड का लिया हुआ है 2 mm का। आप यहाँ पे कोई गत्ते का सीट ले सकते हो, हार्ड गत्ते का सीट। उस पर ड्राइंग करना ईजी रहेगा और कटिंग करना ईजी रहेगा। मैं तो ऑलरेडी हमने इसके पीछे से टाइम बचाने के लिए ड्राइंग कर रखी है। बस रफ ड्राइंग है, ज़्यादा कुछ टफ ड्राइंग नहीं है इसकी, ईजिली कर सकते हो आप लोग। बस इसको कटिंग करने हैं, हम कटर से कटिंग कर रहे हैं। आप लोग किसी बड़ों को हेल्प जरूर लें और कोशिश करें कि आप गत्ते पे बनाएं, क्योंकि वो ज़्यादा ईजिली कट जाती है। ये हम लोग प्लाईबोर्ड की हार्ड सीट होती है MDF बोर्ड की, तो वो दो उस पर कटिंग कर रहे हैं। तो कटर चलाते समय बिल्कुल सावधानी से कटर चलाएं, क्योंकि कटर बहुत साफ होता है, तीखी होती है, नुकीली भी होती है, तो लग सकती है हाथों में। तो बड़े ध्यान से चलाएं और कोशिश करें कि आप अपने से बड़ों को हेल्प लें। उसके बाद आप देख रहे हो इसके अंदर ऑलरेडी हमने छोटे छोटे ड्राइंग कर रखे हैं, जो कि इनके पार्ट्स हैं अलग अलग। और उस पर उभारपन देने के लिए आप क्ले मिट्टी यूज़ कर सकते हो। क्ले मिट्टी में वो भी ईजी हो जाएगा। अगर आपको ऐसा ग्लू गन है तो हल्का हल्का उस पर ग्लू आप चला सकते हो, तो और जल्दी काम होती है। तो हम जो बता रहे हैं मॉडल कैसे आप ईजी वे में बना सकते हो उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि ग्लू हम लगा रहे हैं सिंपली, जितने भी आउटलाइन हमने कर रखे हैं, जितने भी आपको सिंबल बना रखे हैं, उसके ऊपर हमने ग्लू का पेस्टिंग करके उसको एक तरह से ड्राइंग का शेप दे रहे हैं। तो ये काम बहुत ईजी है, इसी तरीके से कर सकते हैं आप लोग भी। तो देख रहे हो कि हमने इसे कर दिया। अब इसके ऊपर जो बाउंड्री लगाने हैं, क्योंकि ये पतला है, 2 mm बहुत पतला है, इसको थिकनेस देने के लिए चारों साइड पे बाउंड्री लगा देते हैं हम गत्ते का, जो कि हम 1 inch का, कोई भी आप माउंट बोर्ड ले सकते हो, गत्ते ले सकते हो। हमने माउंट बोर्ड ले रखा है 1 inch का, जो कि हार्ड सीट होती है, सॉरी गत्ते मतलब पेपर का होता है मोटी सीट, उससे उसका लिया होता। आप यहाँ पे जो कार्टून वाले गत्ते आते हैं उसको यूज़ कर सकते हो, या अदरवाइज कार्टून वाला गत्ता ऑलरेडी हाइट पे होती है तो उस पर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसी तरह से आपने एक बॉर्डर लगा देना है इसको, उसके बाद इसको हम बेस पे सेट करेंगे कंप्लीट होने के बाद। इसमें एक चीज़ और रह गया, बीच में न्यूक्लियस बनाना है हमने, वो चीज़ भी आपको दिखा देते हैं। न्यूक्लियस बनाने के लिए आपको एक बॉल की जरूरत पड़ेगी, कोई भी आप बॉल ले सकते हो। इस सेंटर में यहाँ इस पॉइंट पे लगे जहाँ खाली है, तो बॉल लगाने के लिए आप देख रहे हो कि ये हमने एक बॉल लिया, जिसको कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल सावधानी से कटिंग करें, जब भी कटर चलाएं बिल्कुल सावधानी से चलाएं आप लोग, और इसको थोड़ा सा बीच से काट के निकालना। उसके बाद वहाँ पे हमने पेपर का जो बीस है वो कटर वहाँ पेस्ट कर देना है, ताकि वो थोड़ा न्यूक्लियस का शेप में आ जाए। उसके बाद हम इसको यहाँ पर सेट करके कलरिंग का काम करेंगे। आप देख रहे हो बिल्कुल धीरे धीरे ही काटे हैं इसे, तो कट गए। उसके ऊपर हमने पेपर लगा दिया, तो देख रहे हो पेपर लगा दिया। अब इसको इस तरह से ट्रायंगल के शेप में पेपर काट के आप इसमें लगा दें, ताकि ये पूरा पूरा न्यूक्लियस का शेप में आ गया। अब इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, फिर लास्ट हमारा काम रह जाएगा इसमें पेंट करना और बेस पे सेट करना। ठीक है, सेट हो गया। अब पेंट कर रहे हैं। पेंट करने के लिए सबसे पहले ये पूरे जितने भी चीज़ें सब पे हमने वाइट कलर करना। वाइट कलर करने से क्या होता है कि जो भी आप कलर इसके ऊपर चढ़ाओगे तो पूरा उभर के आएगा। नीचे वाइट होना जरूरी हो जाता है, ताकि हमारा जो कलर होता है वो पूरा पूरा आता है। अगर आप ब्लू इस पर डायरेक्ट मारोगे तो नहीं आता कलर जो चाहिए हमें चपले। तो हमने पूरा वाइट कर दिया पहले, उसके बाद हम जितने भी जैसे जैसे आप ड्राइंग कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड कर लो इसका पिक्चर, उसके हिसाब से आप उसको कलर कर सकते हो, उसका डिजाइनिंग कर सकते हो जो भी है। तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो, क्योंकि आपको पता ही वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है मैं थोड़ा वीडियो बनाने में।
हम देख रहे हो कि हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया कलर। अब हम इसमें जो बॉर्डर लगाया था बॉर्डर पे भी हम कलर कर देते हैं, ऐसे ठीक नहीं लग रहा था। तो बॉर्डर पे कलर करने के बाद लास्ट में हमारा बेस पे सेट करना है, उसके बाद लेवल करना, फिर आपको दिखाते हैं। तो बॉर्डर पे कलर हो चुका है, अब इसको हम बेस पे सेट कर लेते हैं। हाँ, अब बेस का साइज आप इससे थोड़ा सा बड़ा रखें ताकि इस पर लेवल करने में ईजी हो, और इसको हम पेस्ट करके उसके बाद बेस को भी कोई कलर कर देंगे, कोई भी कलर कर सकते हैं, इसमें कंपल्सरी नहीं है। जो हमारा उसमें कलर जाके नहीं है वो कलर कर देंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि हमारा थोड़ा सा लुक ज़्यादा प्यारी आएगी फिर इससे। तो हम करेंगे ऑरेंज कलर इसमें। इसके बाद हमारा काम रह जाएगा लेवल। लेवल भी आप इंटरनेट से निकाल सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, अगर आप अपनी राइटिंग में लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। हाँ, तो फ्रेंड देख रहे हो कि हमने इसमें लेवल कंप्लीट कर दिया, लेवल हमने इसमें पेस्ट कर रखा है। अब इसके ऊपर हमने लाइनिंग कर देने हैं जो जी जहाँ पे है। अभी तो हमने नाम लिख दिया लेकिन लाइनिंग नहीं किया, तो लाइनिंग करना है हमने। लाइनिंग करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ, तो फ्रेंड देख रहे हो कि हमने लेवल कंप्लीट कर दिया, लेवल जितने भी लेवल थे इसमें वो लेवल हमने डाल दिया इसमें, प्रिंट आउट निकाल के हेडिंग भी डाल दिया कैरियोटिक सेल का। और इधर आप देख रहे हो न्यूक्लियस हो गया, जो जितने भी लेवल है हम लेवल डाल के बाकी एरो के थ्रू उसको हमने वहाँ पे दिखा भी दिया कि ये चीज़ है। आपको दिख रही होगी एरो लगी हुई है यहाँ पे सभी जगह। तो फ्रेंड्स बताइए कैसी लगी आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो इस प्रोजेक्ट को फैमिली में, फ्रेंड्स में, बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प मिल पाए और वो भी अपनी स्कूल कॉलेज के लिए बना पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।